हर गांव क्षेत्र की अपनी एक विशेषता होती है। वहां की संस्कृति, खान पान, बोली भाषा, त्योहार, मेले उस जगह को हर जगह से अलग बनाते हैं। और ऐसी ही कुछ अलग संस्कृति हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। यहाँ देवी देवताओं के प्रति लोगों का अनोखा विश्वास देखने को मिलता है। और एक ऐसी ही अनोखी परंपरा पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ और कोठी गांव में पिछले 150 वर्षों से आयोजित होती आ रही है। जी हाँ, यहाँ आयोजित होता है कठबद्दी मेला। यहाँ काठियानी लकड़ी के घोड़े पर विशेष जाति के व्यक्ति को बैठाकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रस्सी के सहारे भेजा जाता है। इसके पीछे स्थानीय लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ परंपराओं में भी कुछ बदलाव आया है, लेकिन आज भी ग्रामीण दैवीय आपदा या फिर कष्टों से मुक्त रहने के लिए इस परंपरा को निभाते हैं। इस मेले को बद्दी मेले के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के साथ अन्य जगहों से भी लोग पहुँचते हैं। इस दौरान बद्दी को रस्सी के सहारे कई फीट ऊंचाई से नीचे की ओर आते देखना अपने आप में रोमांचित करता है। माना जाता है कि 150 वर्षों से भी पहले से चली आ रही इस परंपरा को निभाने से क्षेत्र में उन्नति और बरकत रहती है। वहीं किसी भी तरह की आपदा से आसपास के गांव वाले सदैव सुरक्षित रहते हैं। इस अनोखी परंपरा में जहां काठ के घोड़े को भगवान बद्री मानकर बद्दी जाति के बूढ़े पुरुष को बैठाकर 400 मीटर लंबी रस्सी के सहारे नीचे छोड़ा जाता है, जिसमें कई बार व्यक्ति अपनी जान भी गंवा बैठता था और फिर उसके बालों को खेत में गाड़ दिया जाता था, जिसकी 5 दिनों तक पूजा की जाती थी। कुछ समय बाद लोगों के इस परंपरा के खिलाफ विरोध करने पर मेले का आयोजन बंद कर दिया गया, किंतु दैवीय प्रकोप पड़ने पर पुनः इस मेले का आयोजन किया जाने लगा। मगर फिर इसमें बदलाव भी किए गए। अब काठ के घोड़े में सिर्फ बुरांस की लकड़ी से बने एक इंसानी पुतले का इस्तेमाल कर उसे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के लिए रस्सी के सहारे नीचे को छोड़ा जाता है। और तब से लेकर अब तक इस अनोखी परंपरा को गांववासी आगे बढ़ा रहे हैं। यही परंपरा हमें और हमारे स्थान को अनोखा और अलग बनाती है, जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।